पार्टी का जरा इस समय एक निराशा जरा माहौल सीगा क्योंकि हारे से बड़ी करारी आ रही थी उस तो उभर के राजा वड़िंग जी, प्रताप बाजवा जी, भरत भूषण आशू जी, राजकुमार चब्बेवाल जी और सबका मुख्यमंत्री सबका प्रधान जिन्हें है सारे लीडरशिप इकट्ठी होकर एक चंगा मैसेज दे सकते। सबका पंजाब प्रधान नवजोत सिद्धू जड़े ने लगातार अपनी पार्टी से तंज कसते नजर आ रहे हैं। तो एक वीडियो भी जी वायरल हुई थी धरने के खुल के अपोज किया जब उन्होंने करप्शन के चार्ज लाए थे। अज फिर सेम बयान नवजोत सिद्धू दे के गए हैं जिन्हों का कहना है कि सीएम चन्नी होर की कारगुजारी चंकी ना होने करके हार का सामना भी करना। हार के कारण जोड़े से बहुत लोग शामिल से, मैं भी हार का कारण हो सकता, कोई एक होर बंदा भी हो सकता। एक बंद के उत्ते हार थोपनी किसी पक्षों भी एक चंगी टीम की निशानी नहीं होंगी। लगता है नवजोत सिद्धू लगातार जो है ओपोजिशन की भूमिका निभा रहे पार्टी से रह के ही किमें देखते हो अज भी आए लेकिन स्टेज पर नहीं गए। एक बंदे बारे कि गल करी जी भाजी हम छड़िए ठान छड़िए खेड़ा ताज़ा अलका लांबा जी वाला मसला वा वो मसला गरमाया होया वा। सो यूथ कांग्रेस केजरीवाल के पुतले सारे जिले हैडक्वाटर से फूकूगी और लोगों के दसूगी भी किस तरीके पंजाबीयत ढा लाने वाला यह बंदा जो क्योंकि स्पैशली अगर आप कही लेडीज़ की गल करिए महिलावान की गल करिए बीबिया की गल करिए उन्होंने कभी थाने कचहरिया नहीं घड़ीसया जाता और अज जिस तरीके उन्होंने नोटिस दिए गए और उन्होंने ये सब कुछ किया गया वा उन्होंने जलील करने की कोशिश आ अपनी खुंद कढ़न। रोपड़ के जी एफ आई आर नंबर 25 दर्ज हुई अलका लांबा होर 26 तरीक ने उन्होंने तलब भी किया गया रोपड़ कि बरिंदर ढिल्लों या पंजाब कांग्रेस जी है अलका लांबा के नाल थाने जाएगी या उन्होंने किन्ना साथ है भाई? बिल्कुल थाने जावे डट के जावे उन्होंने नाल उन्होंने कहा भी हौसला अफजाई करा और पूरा वधिया तरीके इस चीज़ को अगे लैके जावे। पोलीटिकल वेंडेटा यही लोग आ जो उन्होंने खिलाफ बोलते हैं यही केजरीवाल जो माफिया मंगता वा जिन्हें पता नहीं किन्ने किन्ने एलीगेशन लाए आ जिन्हें किन्ने डेफामेशन सूट हो आप माफिया मंग के जान छुटाई आ और अज लोगों के उत्ते परचे दर्ज करा रहे हैं। सत श्री अकाल स्काई न्यूज़ पंजाब से तुहाडा स्वागत करदा मैं कोमल सिंगला। पंजाब कांग्रेस भवन विखे मौजूद हाँ तो अज उरे जशन वर्गा माहौल है क्योंकि राजा वड़िंग जड़े ने पंजाब कांग्रेस के नवे प्रधान बने ने। इस बारे गलबात करने लिए साडे नाल बरिंदर ढिल्लों मौजूद ने। सर सब तो पहला रिएक्शन ले लें किमें देखते उन्होंने नियुक्ति नूं? वधिया एक चंगा मैसेज आ चंगी सोच आ और उम्मीद करते हाँ भी पार्टी का जड़ा इस समय एक निराशा जिहड़ा माहौल सीगा क्योंकि हारे से बड़ी करारी आ रही थी उस तो उभर के राजा वड़िंग जी, प्रताप बाजवा जी, भरत भूषण आशू जी, राजकुमार चब्बेवाल जी और सबका मुख्यमंत्री सबका प्रधान जिन्हें है सारे लीडरशिप इकट्ठी होकर एक चंगा मैसेज दे सकू जी। ढिल्लों साहब सबका पंजाब प्रधान नवजोत सिद्धू जड़े ने लगातार अपनी पार्टी से तंज कसते नजर आ रहे हैं। तो एक वीडियो भी जी वायरल हुई थी धरने के खुल के अपोज किया जब उन्होंने करप्शन के चार्ज लाए थे। अज फिर सेम बयान नवजोत सिद्धू दे के गए हैं जिन्हों का कहना है कि सीएम चन्नी होर की कारगुजारी चंगी ना होने करके हार का सामना भी करना पड़ा। देखो मैं तो सिर्फ इन्ना कहना चाहूँगा अज हार के कारण जोड़े से उदे विच बहुत लोग शामिल से, मैं भी हार का कारण हो सकता, कोई एक होर बंदा भी हो सकता। एक बंदे दे उत्ते हार थोपनी किसी पक्षों भी एक चंगी टीम की निशानी नहीं होंगी। कलैक्टिव हार होंगी और इनू कलैक्टिवली सानू मनना चाहिए वा और किसी व्यक्ति विशेष नू अपने आप नू पार्टी तो उपर नहीं समझना चाहिए। जी की लगता है नवजोत सिद्धू लगातार जो है ओपोजिशन की भूमिका निभा रहे पार्टी से रह के ही किमें देखते हो अज भी आए लेकिन स्टेज पर नहीं गए? एक बंदे बारे कि गल करी जी भाजी हम छड़िए ठान छड़िए खेड़ा हूँ तो बड़ी बेबाकी जोड़ा है उन्होंने खुल के जो है सवाल पूछे गए थे तो सवाल पाँगा। नहीं मेरे तो पूछो पर अज राजा वड़िंग जी का ताजपोशी का समागम आ आशू जी का ताजपोशी का समागम आ। सो ये सबका प्रधान आ वो आए वो चले गए उत्थे मेरे हिसाब से गल निबड़ गई। हुण अगले समय अगली आने वाली रणनीति की गल करांगे और उहदे बारे ही विचार चर्चा करांगे। यूथ दे प्रधान हो कोई स्ट्रैटेजी कोई जिहड़ा हैगा एजेंडा तुहाडे वल्लों राजा वड़िंग होरां नाल डिस्कस किया गया होवे जिहड़ा पंजाब दे विच कांग्रेस किस तरीके नाल रिवाइव होएगी? काफ़ी कुछ आ काफ़ी कुछ आने वाले समय दे विच गल्लां करांगे और चल भी रही वा और हुण जिवें अज ही ताज़ा अलका लांबा जी वाला मसला वा वो मसला गरमाया होया वा। सो यूथ कांग्रेस केजरीवाल के पुतले सारे जिले हैडक्वाटर से फूकूगी और लोगों के दसूगी भी किस तरीके पंजाबीयत ढा लाने वाला यह बंदा जो क्योंकि स्पैशली अगर आप कही लेडीज़ की गल करिए महिलावान की गल करिए बीबिया की गल करिए उन्होंने कभी थाने कचहरिया नहीं घड़ीसया जाता और अज जिस तरीके उन्होंने नोटिस दिए गए और उन्होंने ये सब कुछ किया गया वा उन्होंने जलील करने की कोशिश आ अपनी खुंद कढ़न ये पंजाबीयत और इस कल्चर के अपने सोच के विपरीत गल्लां वा। उम्मीद करते हैं भी ये गल्लां दा
ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 25 ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਹੋਰਾਂ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਪੜ ਕੀ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਥਾਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡਟ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਸੂਟ ਹੋਏ ਆ, ਆਪ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਦੀ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਹਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।